कैसे हैं आप? आज मैं आपको से ज़बान की इम्पोर्टेंस के लिए पे बात करूँगा। ज़बान इम्पोर्टेंस से ज़्यादा उस पर गपशप लगाएंगे कि ज़बान क्या होती है और ज़बान कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करती है। ज़बान जो है या लैंग्वेज ओवर द ईयर्स क्रिएट की गई, यानी कि जब हज़ारों साल पहले ज़बान बनाई गई होगी तो वो ज़बान तो नहीं बनाई जाती थी। वो कहते हु तो बस हु नाम पड़ गया। तो इस तरह से लफ्ज़ क्रिएट हुए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, और कभी भी किसी ने बैठ के ज़बान को याद नहीं किया होता। ज़बान को नॉर्मली मैं बहुत कम अक़ल आदमी हूँ, प्लीज़ मेरी बात को उस कम अक़ल के हिसाब से तोल के कीजिएगा इस्तेमाल। खैर, तो ज़बान को ईजाद तो नहीं किया हुआ, ज़बान को हमने ओवर द ईयर्स क्रिएट किया होता है। जैसे उर्दू की ज़बान है, उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ लफ्ज़ अडोप्ट कर लेते हैं। ये अडोप्ट जैसे अडोप्टेड सेल्फ है, उसको हम गोद ले लेते हैं। अब मैं कहूँगा तो अजीब सा लगेगा, अडॉप्ट कर लेते हैं तो समझ में आ जाती है बात। तो जब हम किसी मसले को गौर से देखते हैं तो नज़र आता है कि वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आया होता है। मिसकम्युनिकेशन यानी कि बात को हम अपने सही समझा नहीं पाए होते, दूसरा आदमी को कुछ और समझ में आती है और उसकी वजह से गड़बड़ शुरू हो जाती है। आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत सारे ज़राए पैदा हो गए हैं, पहले जो है वो कबूतर के अंदर इतनी सी पर्ची जाती थी एक लाइन की, हैं कबूतर साहब लेके जाते थे, एक लाइन लेके जाते थे, वाह कबूतर की चिट्ठी आई हुई। फिर उसके बाद जो था वो घोड़े पे जो लोग लेके जाते थे, अगर दूर तक पैगाम पहुँचाना होता था। आजकल जो है वो मसला ही नहीं है, एक आदमी अफ्रीका, एक आदमी अमरीका, एक आदमी कहीं व्हाट्सएप पर बैठे हुए टिक 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 बातें कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कम्युनिकेशन हो रही है। तो डिस्टेंसेस कम हो गए, लेकिन अगर आप इनको मेजर करें तो कुछ मसाइल भी पैदा हो गए। क्योंकि एक आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ी से वास्ता नहीं पढ़ा, उसको अंग्रेज़ी में आप बात कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट प्लानट में, डिफरेंट कंट्री में रहता है, डिफरेंट शहर में रहता है। एक पठान आदमी है, उससे आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो उर्दू में नहीं सोच रहा हो, उसका दिमाग अभी भी पश्तों में काम कर रहा है। फिर आप उससे उर्दू बोल